गाइस, हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ ब्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर फैमिली क्रॉस होते ही मैं आप सभी को अपने लाइफ स्टाइल से और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो गाइस, वो वक्त आ गया है, आपने अपना वादा निभाया, मैं अब अपना वादा निभाने जा रहा हूँ, मतलब आप सभी को अपने लाइफ स्टाइल से अवगत कराने जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगा अपने रूम का माहौल, मैं कहाँ रहता हूँ, किस रूम में रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। तो फिर उसके बाद से आप सभी को मिलवाऊंगा अपनी फैमिली से, फिर अपनी कर्मभूमि से, मतलब जिस काम से हमारे घर का खर्चा चलता है, और फिर उसके बाद से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी आप हैं मेरे कमरे में और ये मेरा बेड देख रहे हैं, जिस पर मैं सोता हूँ, उठता हूँ, इसी पर बैठ करके अपने सारे काम भी करता हूँ। मेरे कमरे में एक विंडो भी है जहाँ से लाइट थोड़ा बहुत आता है, और ये उत्तर प्रदेश का मैप लगा रखा है मैंने, और थोड़ा बहुत स्टूडियो का सामान, और फिर उसके बाद ये है मेरी अलमारी छोटी सी, और इसी में मैंने अपने पूरा स्टडी, मतलब मैं सुपर टेट की तैयारी करता हूँ, और मेरा 2021 मैंने जम के पढ़ाई की है पूरी, और इसी में मैंने अपना सारा मेहनत किया है पढ़ाई का। आप देख सकते हैं कितनी लगन से मैंने की होगी, इतनी सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह है ब्लैक पर्दा, वीडियोज वगैरह शूट करने के लिए, शायरी पोएट्री जो करता हूँ इसी पर्दे पर अक्सर करता हूँ, और मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको पार्क का नज़ारा दिखाते हैं, और इनको देखिए, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनको फ़ोन की पड़ी है और 15-16 को एग्ज़ाम है पेट का। चलिए आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मैं नीचे आ गया हूँ, और नीचे हैं देखिए मेरी माताजी खाना खा रही हैं, और मेरी भांजी पल्लवी को खाना खिला रही हैं। पल्लवी, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। मैंने पल्लवी को गोद में ले लिया, और फिर चलिए अब आपको अंदर का और नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए मेरा पहला कमरा यही पड़ता है, यहाँ पे देखिए कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, फिर यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, लाइट ऑफ था, और ये है मेरा मेन कमरा, इसी में टेलीविज़न वगैरह है। देखिए पापा बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्या करें, न्यूज़ ही देखते हैं ये दिन भर। और ये है किचन, और ये है हमारी प्यारी बहना, तो प्रेगनेंसी के चलते ये अभी यहाँ पर हैं, क्योंकि इनका शादी गांव में हुआ है तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर हैं। बाय बाय कर दो पल्लवी, बाय बाय। तो अब बारी है मेरे कर्म भूमि की, यानी कि हम लोग सुबह उठते ही यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये है डेयरी है हम लोगों का, मतलब 4 भैंस है और 1 गाय है, तो इन्हीं लोगों में लगे रहते हैं, दूध निकालते हैं, डिलीवर करते हैं। थोड़ा बारिश है, बारिश के वजह से थोड़ा बहुत कचरा वगैरह दिख रहा होगा, इसमें हम लोग चारा पानी खिलाते हैं लोगों को। यहाँ पे चारा तैयार करता हूँ, मैं बनाता हूँ। चलिए अब आप सभी को वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे ये गाय और भैंसें रहती हैं, जिसमें तो देखिए यहाँ पे 2 बाल्टी रखी हुई है, इसमें पानी पिलाता हूँ, और पानी पिलाने के बाद सीधा इंटर कर जाती हैं इसमें अंदर। चलिए अंदर भी दिखा देते हैं, अंदर देखिए ये गाय और ये देखिए भैंस, एक बनी हुई है, मतलब बांध ही रहा था तो मैंने सोचा कि इसी बीच में शूट कर लेता हूँ, तो अभी कुछ बाहर है कुछ अंदर है। और चलिए अब अपना बिल्डिंग दिखाते हैं, ये देखिए मेरा घर है, और ये बगल में छोटी दुकान वाले, ये मेरे बुआ जी का घर है, मतलब पड़ोसी हैं लेकिन हम लोग बुआ बोलते हैं। और ये मेरे घर के सामने का व्यू है, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा, हरा भरा, अच्छा लग रहा है। मेरे घर के सामने से एक छोटी सी नहर भी गुजरती है, सामने बड़ा सा आवास है। चलिए अब छत पे चलते हैं और बात करते हैं मेरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो गाइस, बात करें अगर पास्ट की, तो मैंने 2010 में हाई स्कूल और 12 में इंटर पास आउट किया, 2017 में ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद से मैं ओ लेवल करने नौतनवा चला गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयरिंग पढ़ाई किया वहाँ पे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि आर्थिक कंडीशन सही नहीं रहा तो मैं घर चला आया, और वो भी बीच में छूट गया। फिर उसके बाद से घर आया तो यहाँ पे BTC का फॉर्म निकला, मैंने उसको डाल दिया।
फिर उसको पास आउट किया 2021 में। उसके बाद से टेट सी टेट मैंने पास कर लिया है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के समय मैं तैयारी कर रहा हूँ और भर्ती का वेट कर रहा हूँ। कुछ अता पता नहीं है, क्या करूँ भाई, खाली बैठा हूँ। एक बार कोचिंग करके कोर्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ और 2023 में भर्ती आनी ही आनी है क्योंकि लंबे समय से भर्ती आई नहीं है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं इस भर्ती को निकाल ही लूँगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा छोटा सा प्रयास और ये मेरी छोटी सी फैमिली और मेरा लाइफ स्टाइल आपको अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरा ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा। और आप सभी ने इतना मुझको सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमेशा साथ बने रहिएगा। नए हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।